Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So once again, welcome back to our English class. Today we will do our grammar book chapter 6. So what's the name of the chapter? Who or what am I? हमारे chapter का name क्या है? Who or what am I? Okay? Our exercises. Match the words with the clues. Write the word next to the clue in matchings. अब आपको इस एक्सरसाइज में कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उनको आपको इन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके साथ मैच करना. ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन इज यू मेक फ्रेंच फ्राइज एंड चिप्स विद मी. अब वो क्या पूछ रहे हैं इसमें कि तुम मुझसे क्या बनाते हो, फ्रेंच फ्राइज और चिप्सेस. तो चिप्स और फ्रेंच फ्राइज किससे बनते हैं? पटैटो से. ऊपर ऑप्शंस में देखो पटैटो दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट में क्या आएगा? पटैटो. ओके, नेक्स्ट है यू फ्लाई इन मी व्हेन यू ट्रैवल. इसमें क्या है कि तुम मुझ में फ्लाई कर सकते हो जब तुम ट्रैवल करोगे. किस में करोगे आप ट्रैवल करते हुए फ्लाई? किस में करोगे? एरोप्लेन में. तो इसका आंसर क्या है? एरोप्लेन. ओके, नेक्स्ट इज यू वियर मी व्हेन इट इज कोल्ड. तुम मुझे पहनोगे जब ठंड होगी. तो ठंड में क्या पहनोगे आप? ऊपर ऑप्शंस में देखो क्या पहनोगे? जैकेट. तो इसका आंसर क्या है? जैकेट. नेक्स्ट है यू ड्रिंक मिल्क और कोका फ्रॉम मी. तो इसमें क्या कहा है कि आप मुझ में क्या पीते हो? मिल्क और कोका. तो किसमें पीते हैं आप? ऊपर ऑप्शंस में देखिए मग. तो इसका आंसर क्या आएगा? मग. नेक्स्ट इज आई एम अ बर्ड विद अ ब्यूटीफुल टेल. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि मैं एक बर्ड हूँ जिसकी ब्यूटीफुल टेल है. किसकी ब्यूटीफुल टेल होती है? टेल किसकी ब्यूटीफुल होती है? पीकॉक की. किसकी? पीकॉक की. तो इसमें क्या आएगा? पीकॉक. नेक्स्ट इज यू कम टू मी व्हेन यू आर इल. इसमें क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आते हो जब तुम क्या होते हो? इल होते हो. इल यानी कि बीमार होते हो. तो किसके पास जाते हो आप? बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास. तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर. नेक्स्ट सेवंथ इज यू कुक फूड ऑन मी. सेवंथ क्या है? यू कुक फूड ऑन मी. तुम मुझ पर खाना बनाते हो. तो किस पे फूड कुक करते हो? किस पे करते हो? ऑप्शंस में देखो क्या दिया हुआ है? स्टोव. तो किस पे कुक करते हो आप फूड? स्टोव पे. ओके, नेक्स्ट इज आई एम रिलेटेड टू यू. अब इसमें क्या कहा गया है कि मैं तुमसे तुम्हारा रिलेटिव हूँ. तो ये क्या ऊपर ऑप्शंस में देखो क्या दिया हुआ है? अंकल. तो इसका आंसर क्या आएगा? अंकल. नेक्स्ट इज यू स्वीप अ रूम विद मी. तुम मुझसे रूम स्वीप करते हो. किससे करते हो रूम स्वीप? ब्रूम से. ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? ब्रूम. तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रूम. नेक्स्ट इज यू वियर मी ऑन योर हैट. तुम अपने सिर पर मुझे पहनते हो. तो ऑप्शंस में देखो सिर पे पहनने वाली क्या चीज़ दी हुई है? कैप. तो इसका आंसर क्या आएगा? कैप. नेक्स्ट इज यू फाइंड मी इन अ सैलड. ये इसमें क्या कहा गया है कि तुम मुझे किस किस तरह यूज़ करते हो? एक सैलड की तरह यूज़ करते हो. तो किस चीज़ को करते हो? ऑप्शंस में देखो ककुम्बर. क्या है इसका आंसर? ककुम्बर. नेक्स्ट इज यू यूज़ मी टू ट्राई यू यूज़ मी टू ड्राई योर सेल्फ. तो नेक्स्ट क्या है कि आप मुझसे अपने आप को ड्राई करते हो. तो इसका क्या आंसर होगा? टावल. टावल से ड्राई करते हो ना नहाने के बाद अपने आप को. ओके, आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर होगी. ये चैप्टर क्लियर हो गया. इसमें क्या है? सेंटेंस का आंसर आपको किस में देना है? वर्ड, वन वर्ड में देना है. ओके, तो आपने ये चैप्टर अच्छे से नीट एंड क्लीन बुक में राइट करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.